जिले के जोकीहाट प्रखंड के शेर लंघा निवासी जो फिलहाल अररिया 0 माइल में रहते हैं, उन्होंने अररिया थाना में आवेदन देकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने दिए आवेदन में कहा कि मेरे मोबाइल नंबर 7488810852 पर अलग अलग मोबाइल नंबर से कॉल करके गाली गलौज और जान से मार देने की धमकी लगातार मिल रही है, जिसको लेकर मैं काफ़ी परेशान और दहशत में हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे मोबाइल पर किसी का मिस कॉल आया था, जिस पर मैंने पूछा हेलो आप कौन, इसी के बाद मुझे लगातार कॉल आने लगा और भद्दी भद्दी गालियां और जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। ओबेदुर रहमान ने बताया कि नजरतुल कलाम, फुलकू, अबूजर, तबारक, रमजान आदि लोगों ने जो अजमतपुर, माधोपाड़ा और चकई के रहने वाले हैं, जो मोबाइल नंबर से चिन्हित हुआ है। ओबेदुर रहमान ने दिए आवेदन में कहा कि पता किया तो मालूम हुआ कि ये लोग अपराधी किस्म के लोग हैं जो मुझे कभी भी जान से मार सकता है। थाना में दिए आवेदन में ओबेदुर रहमान ने थाना प्रभारी से इस पूरे मामले की जांच कर अपने जान की सुरक्षा के लिए दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। क्या मामला हुआ आपके साथ बताइए थोड़ा। 2 तारीख को हमारे मोबाइल में एक मिस कॉल आया 2:30 बजे और उसको मैंने शाम 7:30 बजे रिप्लाई में मैसेज किया कि हाय कौन है भाई। उसके बाद 2-3 दिन के बाद 5 तारीख को मेरे मोबाइल में 9:30 बजे रात में 2-3 मिस कॉल आया जो कि मैं रिसीव नहीं कर सका। 10:30 बजे करीब में वो फिर कॉल किए तो वो बोला कि बाबू तुम ये मोबाइल में मैसेज किया है, कौन मैसेज, कैसा मैसेज किया है। मैंने कहा भाई ये तो मुझे याद नहीं है। तो फिर उधर से गाली बोलना स्टार्ट कर दिया। गाली बोलते बोलते वो मुझे जान मारने की धमकी, गाली गलौज, फूल पेड़ से काट करके फेंक देने की धमकी और बोला कि तुम्हारा घर शेरलंघा है, तुम शेरलंघा से निकलोगे तो बोरिया में गोली मारेंगे और अररिया के तरफ आ गए तो फटकी में मारेंगे, तारा में मारेंगे, बरगाछी में मारेंगे और लास्ट में बेलवा पुल में बोला कि तुमको काट के बोरा में डाल के फेंक देंगे। तो मैं थाना में आवेदन दिया हूँ कि अजरतुल कलाम के नाम से, अजरतुल कलाम पिता सनफ रफीक आलम मणिपुर अजमतपुर, पिता रफीक आलम अबूजर, पिता अलीमुद्दीन माधोपाड़ा, फुलको उर्फ गोलू अजमतपुर, पिता करीम वार्ड नंबर 13 और 2 अज्ञात नाम है जिसका पिता का नाम मैं नहीं जानता हूँ, एक तबारक और एक रमजान जिसका घर चकई बताया उसने। और मुझे पूरा दहशत में हम कि वो हमको कब गोली मार दे। इस वजह से मैं थाना में आवेदन दिया हूँ कि साइबर क्राइम में पहले दिया था मैं एक आवेदन, लेकिन साइबर क्राइम में जब गया मैं आवेदन देने तो उसने बोला थाना नगर थाना में दीजिए आवेदन। तो मैंने नगर थाना में उसका फोटो के साथ आवेदन दिया हूँ। तो मैं थाना अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि इस जो नंबर मैंने डाला है उस नंबर को जाँच करके उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। और मैं पूरा दहशत में हूँ, जो लोग मुझे धमकी दिए हैं वो बदमाश किस्म के आदमी हैं। मैंने पता किया अपने स्तर से उसको घर पे जाकर, उसने वहाँ पे भी मेरे साथ बदतमीजी की। आपको कैसे पता चला कि कौन आदमी? मैंने ट्रू कॉलर में उसका नंबर जो आया, मैं ट्रू कॉलर से उसका सारा एड्रेस निकलवाया और फोटो लेके मैं उसके घर पे गया तो उसने सारा बताया, हाँ ये फलां का बेटा है, ये एक करीम और एक का बाप का नाम है रफीक और दूसरा का जो अबूजर नाम का लड़का है वो ज्यादा ही मेरे साथ बदतमीजी किया है जो माधोपाड़ा का है। धमकी देने का क्या कारण? धमकी देने का कारण ये है कि मेरे मोबाइल में 2 तारीख को एक मिस कॉल आई थी और मैंने उस मिस कॉल को 2:30 बजे मिस कॉल आया था, मैं 7:30 बजे उस मिस कॉल को रिप्लाई किया मैसेज में, हाय कौन है भाई, बस इतना सा मामला है। और इस मोबाइल पे मेरी ना बात है ना चीत है और जितना भी वो मेरे को धमकी दिया है सारा कॉल रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है, सारा मोबाइल में रिकॉर्ड है कि चाहे जितना भी बात वो बोला है, जिस नंबर से बोला है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उस जो दबंग लोग हैं, जो आपराधिक छवि के लोग हैं, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसे उस पर उचित कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जाए।